गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन आगे बढ़ाएंगे। सो 6 to 10 एक्सरसाइज 9A के करेंगे। लेकिन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, CBSE वाले बच्चे भी इसको रिफ़र कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ ही ये देती हूँ। मतलब बहुत ही वेराइटीज़ ऑफ सम्स है इसके अंदर, तो अगर CBSE वाले भी इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट सम्स करने को मिलेंगे। सो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड 3726 अमॉन्ग ABC इन द रेशियो 1/3, 1/4 एंड 1/6। देखिए, जब भी ऐसा होना तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे LCM। किसका LCM निकालेंगे हम? 3, 4 और 6 का। तो पहले 2 से जाएगा, 3 एज इट इज़, 2, 2 ज़ा 4, 2, 3 ज़ा, अगेन 2 से, 3 एज इट इज़, 1 एंड 3, एंड देन अब 3 आएगा, 1, 1 एंड 1। सो LCM क्या आया? LCM इज़ नथिंग बट 2 × 2 × 3, विच इज़ इक्वल टू वॉट? 12। ठीक है, तो मतलब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1/3 है, इंटू क्या होगा? 12 इज़ टू 1/4 इंटू 12 इज़ टू 1/6 इंटू 12। सो ये 4 इज़ टू 3 इज़ टू 2। ठीक है, अब क्या है कि हमें डिवाइड करना है 3726 को। ठीक है, तो पहले इसका सम फाइंड करो, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा? 4 + 3 + 2, मतलब कि 7 + 2 = 9। ठीक है, तो अब हम ए ले लेते हैं, एज शेयर, एज शेयर का क्या होगा, क्या है उसका रेशियो ए का? ये 4 डिवाइड बाय क्या है? 9 इंटू 3726। सो ये 9 होगा, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9, एंड अगेन 9 × 4 = 36। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वॉट? 1656। ठीक है, ये है ना, ये ऑलवेज रिस्पेक्टिव ही रहता है, ए इज़ टू बी इज़ टू सी ही रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बीज शेयर करूँगी। बीज शेयर में क्या होगा? 3/3 जो टोटल होता है वो, और जिसको डिवाइड करना होता है वो। तो ये अगेन क्या होगा? 414 ही होगा। तो दिस इज़ इक्वल टू वॉट? 1242। ठीक है, एंड सीज शेयर, सी का क्या है? सी का है 2 × 9 × 414, विच इज़ इक्वल टू वॉट? 828। ठीक है, ये सारे शेयर्स अगर आप प्लस करोगे ना तो आपको मिलेगा 3726। डिवाइड 810 अमंग ABC इन द रेशियो, सेम है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको जो है ना, ये होगा 1/4 × 2/5 × 11/8। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। सो LCM अगर हम 4, 5, 8 लेंगे, सो 2 × 2 = 4, 5 as it is, 2 × 4 = 2, 1 = 5 as it is 2, 2 × 1 = 5 as it is 1, एंड 5, तो 8 × 5 = क्या हो गया, LCM आ गया आपका 40। ठीक है, तो देखिए 1/4 × 40 = 2 × 5 × 40 = 11/8 × 40। तो ये क्या हो गया, 4 × 10 = ये होगा 5 × 8 = और ये होगा 8 × 5 = तो रेशियो क्या आया, 10 : 2, 8 × 2 = क्या होगा, 16 एंड 55। ठीक है, सो 10 : 16 = 55। अब सम करते हैं, सम इज़ इक्वल टू वॉट? 10 + 16 + 55, विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट इट इज़ 81। ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू क्या है उसका? 10 / टोटल क्या है? 81। और क्या करना है? 810, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 10, तो ये क्या हो गया? 100। ठीक है, अब बी का देखो, बी का क्या है? 16 डिवाइडेड बाय क्या? 81 इंटू 810, तो ऑब्वियसली ये 10, तो ये होगा 160। सी का क्या होगा? 55/81 × 810, तो ये 10,
तो ये 550, मतलब आप इसको इसको और इसको ये सबको आप प्लस करोगे तो मिलेगा आपको 810। डिवाइड 1050 बिटवीन गीता एंड रीनू इन द रेशियो दिस। तो सबसे पहले तो इसका रेशियो क्या होगा, 2 3 6 एंड 6 + 2 इज 8/3 इज 2, ये क्या होगा 89 2 20/3। तो ऑब्वियसली एलसीएम तो क्या हुआ इसका, एलसीएम इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया आपका 8:20। तो अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा 8 + 20। ये कैसे आया पता चला ना, चलो दोबारा कर लेते हैं। जैसे 8/3 × 3 हो जाएगा और ये 20/3 × 3 हो जाएगा, तो 8:20 हो गया, ठीक है। अब सम क्या होगा, 20 + 8 इज़ वॉट 28, राइट। तो यहाँ पे जैसे गीता का देखो, गीता का इज़ इक्वल टू 8/28 × 1050, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए 2 14 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, फिर ये 2 4 2 7 और ये 752 है, तो 7 7 49 और 7 5 35, सो 75 × 4 इज़ नथिंग बट 300, ठीक है। अब रीनू, रीनू का क्या है, रीनू का है 20 / 28 × 1050, सो ये होगा 2 10 2 14 2 5 7 और ये 7, ऑब्वियसली 7 का क्या होगा, 7 1 7, 7 5 35, सो 150 × 5 इज नथिंग बट 750। सो डिवाइड 747 अमॉन्ग ए बी सी सच डेट, देखिए 4A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 7C, ठीक है। सपोज ये सब इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं तो रेशियोज़ क्या आएंगे, ए इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4, ठीक है। बी इक्वल्स टू क्या आएगा 1/5 एंड सी इक्वल्स टू क्या आएगा 1/7। तो अगर मैं ये रेशियो 1/4 is to 1/5 is to 1/7, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम 4 5 एंड 7, सो ऑब्वियसली 4 5 20, 20 × 7 इज़ 140, 140 ही आएगा क्योंकि कोई किसी में जा ही नहीं रहा, कोई किसी का मल्टीपल ही नहीं है, तो 140 ही आएगा। सो 1/4 × 140 इज़ टू 1/5 × 140 इज़ टू 1/7 × 140, तो ये 4 है, तो 4 3 12, 5 20, ये 28 हुआ, 35:2, और ये होगा 20, ठीक है। अब मैं इधर यहाँ पे सम करती हूँ, सो 35 + 28 + 20 विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 83, ठीक है। अब ए का शेयर देख लेते हैं, ए का शेयर है 35/83 × 747। अब देखिए ये 747 है ना, वो 83 से ही डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप ये दोनों को, मतलब जो कॉमन होता है ना, अगर आप उसको ही सॉल्व करोगे ना तो कैलकुलेशन है ना इजी हो जाएगा। जैसे 35 × 9, मतलब 83 9 ज़ा, ठीक है। सो 35 × 9 इज़ नथिंग बट 315। बी इज़ इक्वल टू 28/83 × 747, सो ये भी 9 ज़ा, सो 28 × 9 इज़ 252। फिर सी इज़ इक्वल टू 20/83 × 747, तो ये अगेन 9, सो ये होगा 180, ठीक है। अगर आप ये सबको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 747।
सो अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन अ रेशियो 5:6:8 अमाउंटिंग टू 2. फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच. तो यहाँ पे तो देखिए डायरेक्ट रेशियो ही दिया हुआ है. सो 100 कितने 50 पैसा 25 पैसा. 1 रुपी मतलब 100 पैसा हुआ, राइट. तो 100 × 5 = 2, 50 × 6 = 2, 25 × 8 विच इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 500 × 2, 300 × 2, 200. ठीक है, तो मतलब अगर सबको मैं अगर मैं डिवाइड करती हूँ 100 से तो 5:3:2. अब मैं इसका सम निकालती हूँ तो 5 + 3 + 2 तो ये हो जाएगा 10. तो 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी का क्या होगा, 5/10 × 210. तो ये हो गया 105. ठीक है, उसके बाद 50 पैसा, सो 3/10 × 210, तो 0 0 अगेन कैंसिल, 21 × 3 = 63 × 2, तो ये होगा 126. ठीक है, उसके बाद है 25 पैसा विच इज़ इक्वल टू 2/10 × 210 × 4, सो 42 × 4 विच इज़ इक्वल टू 168. ठीक है, 50 पैसा मतलब 100 पैसा को अगर मतलब 50 पैसा को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 पैसा मिलेगा. ठीक है, 25 पैसा को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 पैसा मिलेगा.